एंड आई एम रेडी गाइस. इस वक्त जो है ना सारा के मैं स्कूल जा रही हूँ. सारा के स्कूल में है पार्टी. तो पार्टी अब जैसे बच्चों की पार्टी है और सारा चाहती थी अकेले भी जा सकती थी वो, लेकिन वो चाहती थी कि मैं और यही उसके साथ जाएं क्योंकि पेरेंट्स अलाउ हैं. तो डिनर भी वहीं पे है. सो अब मैं जा रही हूँ. मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ. तो मैं सोचा कि इस तरह से जीन्स पहन के शर्ट, मैंने नॉर्मल एक टी शर्ट पहनी है उसके ऊपर मैंने ये ब्लेजर पहन लिया है. सो इट्स लुकिंग सो नाइस. आई जस्ट लाइक कांट यू नो, आई एम सो हैप्पी कि इतना अच्छा लग रहा है. एंड मेकअप भी इज जस्ट सब आप लोग देख सकते हैं. मैंने बस हल्की सी आईब्रोज बनाई है और लिपस्टिक है मैचिंग मैंने ब्लेजर के साथ थोड़ा सा लगाया है. दैट्स इट, इट्स गुड. लेकिन निकलते हैं जल्द से क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट टाइम, क्योंकि सारा को उसकी वायलिन क्लास से भी जो है पिक करना है. और ये जूते जो मैं इसके साथ पहनूंगी, इट लुक्स सो नाइस. ऑलरेडी इन द कार. आज जनाब का जो है लेट काम नहीं था, जल्दी ही जो है जनाब घर आ गए. हेलो 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 हेलो, वेट, लुक द डोर्स ओपन. यू वांट मी टू फॉल डाउन ऑफ द कार? इज दैट हाउ यू गोना गेट रिड ऑफ मी? ऑफ कोर्स यू विल गेट रिड ऑफ मी इफ आई डोंट क्लोज द डोर. क्या करता है ये लड़का. एनीवेज आज जनाब जल्दी घर आ गए थे क्योंकि है ना आज बहुत ही लंबा दिन था, बहुत कुछ जो है काम थे जो के होने थे. और वो ये थे कि सुबह एक तो 10:30 बजे एक मीटिंग थी हम दोनों की घर पे किसी ने आना था मीटिंग के लिए तो वो था. और वहाँ से हम लोग फारिग हुए हैं 11:30-12 बजे तक. फिर ऑब्वियसली लंच वगैरह किया, वहाँ से फिर फारिग हुए. फिर सारा को जो है पिक करके अराउंड 2:30 बजे तक जो है उसको जो है पिक करके उसको वायलिन क्लास के लिए छोड़ना था. फिर वो किया. फिर अब उसके बाद जो है बस तैयारी में लग गए. अब जो है बज रहे 5 बजने वाले हैं, 5 बजे जो है स्कूल पहुंचना है. तो सारा जो है अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल पहुंच जाएगी जैसे कि मैंने कहा था. तो हम जो है तो सारा जो अपने फ्रेंड के साथ स्कूल पहुँच जाएगी, हम भी स्कूल ही जो है पहुँच रहे हैं. सो इसलिए जो है काफ़ी लंबा दिन रहा. हालांकि दो तीन चीज़ें ही थी करने के लिए, लेकिन बीच में जो टाइम थे वो इस तरह से थे कि बस बहुत ही यानी कि एक्यूरेट टाइम था चीज़ें करने के लिए आपके पास फॉर दिस एंड दैट. सो एनीवेज एंड हियर वी आर इन द स्कूल एंड लेट्स एंजॉय द पार्टी आई गेस. एज वह है तो बच्चों की पार्टी हमने बस बैठ के ऐसे करके बैठ के सारा कुछ देखना ही है. सो लेट्स सी कि कैसा रहता है. चलें जी, सारा जी आ गए और आके एक नई ही न्यूज़ बता रहे हैं कि कल कॉन्सर्ट है. वैसे ही एक बहुत बिजी टाइम चल रहा है और अब कॉन्सर्ट भी, ये सही है. बच्चों की पार्टी वहाँ अंदर चल रही है जहाँ मैं अभी थी जो आप लोगों ने देखा. और अब जो है ना हम जो बड़े लोग हैं जिनके पेरेंट्स वो दूसरी जगह पे जो है बैठे हुए हैं, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ. तो वहाँ पे जो है पेरेंट्स बैठे हुए बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं. Amazing. Did you have fun?
हप 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 अजी मैं बस आई मीन पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों का जो डांस है वो सी है गे जंप 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 आई वाज नॉट रियली दैट मच जंपिंग आई वाज लाइक वॉकिंग अराउंड रनिंग आई एम रियली बट एनीवे इतना शोर था जो वहां पे म्यूजिक जो लगा था बच्चे डांस कर रहे थे वहां तो था चलो था ही शोर लेकिन जहां पे सब पेरेंट्स बैठे हुए थे और खाना वाना खा रहे थे वहां पे भी इतना शोर था कि मैं क्या ही बताऊं कह रही मुझे थी ये देखो मुझे उर्दू कौन नहीं नहीं मुझे उर्दू कौन सिखा रहा है मैं सो इतना शोर कि मैं क्या ही बताऊं हमको खुद की बात थी जो है मेरी खुद की आवाज समझ नहीं आ रही थी मेरा दिमाग ऐसे सुन और नम हुआ था अभी भी ना ऐसे सर घूम रहा शोर से तो या बट वाज टू नॉइजी बट वाज ओके इट वाज गुड एटलीस्ट जिसके लिए हम गए थे जिसकी वजह से हम गए थे दैट पर्सन हैड फन राइट आफ्टर ऑल दैट शोर चलो जब 90 पहने कूल सारे सोने की तैयारी करें ये हाथ पे क्या लगा है डब्ल्यू एडोट आई हैड टू व्हाई आई डोंट नो आई वाज लाइक But when someone told me I was supposed to do that, I got totally confused. चले उठ जाए चेंज करें. Next day हो चुका है Friday है जुमा मुबारक guys. Hello Rainbow Fam, good morning. कैसे आप सब लोग ठीक हैं? ठीक हो गए हम लोग सब ठीक ठाक हैं. अभी अभी जाना बस फिजियोथेरेपी से जब मैं फाइन हुई और क्या कसम मैं सोच रही हूँ और ये जब मैं घर से निकली थी थोड़ा बारिश का लग रहा था लेकिन मैं जब अंदर गई थी गाड़ी पूरी साफ थी यानी कि यहाँ वहाँ कहीं बर्फ नहीं थी बर्फ से भर गई आधे घंटे में ही रहना फिर सारा ही पर आगे से भी रहना सारी बर्फ हो गया गजब की ठंड हीटर का फुल ये भी फुल सो इस दूरी 9:30 और मैं सोच रही थी कि मैं घर जाऊंगी लेकिन ना मुझे कुछ चीज़ें लेनी है अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा है क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग तो ट्रैवल के लिए मुझे जैसे कि बैग का जो वजन करता है वेट जो होता है बैग के लिए मुझे वो ले चाहिए और मुझे फिर लगेज को सॉर्ट करने के लिए जो बैग्स मिलते हैं जिप बैग्स मिलते हैं लगेज के अंदर रखने के लिए ताकि आप जैसे अभी मैं सारे इकट्ठे ट्रैवल करेंगे तो सारा के कपड़े अलग हो मेरे कपड़े अलग हो फिर मिक्स नहीं हो तो और फिर टॉयलेटरीज अलग और इस तरह से तो मैं और मेकअप अलग तो मैं चाह रही हूँ कि इस तरह से ना कोई एक सेट मिल जाए 3-4 पीस का तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता ऑनलाइन मैंने देखा है डेफिनेटली और मैंने जो है सेलेक्ट भी कर लिया कि मुझे कौन सा चाहिए लेकिन ऑनलाइन में मसला मुझे ये आ रहा है कि मुझे जो है 7-8 दिन से पहले डिलीवरी नहीं मिलेगी इसलिए मैंने जो है ऑर्डर नहीं किया पूरा हफ्ता क्योंकि अगर मैं मंडे को भी ऑर्डर करती तो वीकेंड तक मुझे नहीं मिलता मुझे अगले हफ्ते ही जो है मिलना था इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं किया लेकिन अगर मैं देखूंगी कि अगर मुझे जो है मिल जाता है शॉप में ही किसी दुकान में तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए सो लेट्स सी कि मिलता है या नहीं मिलता है और बस 2-3 फेस वॉश वगैरह लेना है जो कि ख़त्म हुआ है सो बस ये 2-3 चीज़ें हैं अगर मिल जाए अच्छा है मैं अभी ले लूँ ताकि मुझे बार बार आना नहीं पड़े क्योंकि अब डे आफ्टर टुमारो जो है सनी के संडे को इतवार को हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मैं और सारा तो उससे पहले ये सब चीज़ें आ जाना अच्छी बात है और मैं बार बार निकल भी नहीं सकती क्योंकि कल जॉब भी है फिर घर मुझे पैकिंग भी करनी है और कुछ घर थोड़ा समेटना है ऐसे मैं काफ़ी अच्छा सा समेट के रख रही हूँ घर आजकल ऐसा नहीं है बट होता है ना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेट के जाऊंगी तो आऊंगी तो अच्छा रहेगा याहिया वैसे अच्छा रखेगा क्योंकि याहिया ट्रैवल नहीं कर रहा तो वो डेफिनेटली जो है समेट के रखेगा लेकिन फिर भी अपने हाथ से जो है करने की तसल्ली जो होती है वो रहेगी तो या मैं जो मेरी वैनिटी भी सेट करनी है फिर मुझे मेरे अपने कपड़े भी सॉर्ट आउट करनी है सारी चीज़ें जो होनी है इन टाइम ऐसा ऐसा पहले अभी देखते हैं सबसे पहले कहाँ जाना है और कौन सी शॉप में जाऊँ मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी शॉप में जाऊँ कहाँ जाऊँ कि मुझे मिलेंगे तो जेन में है अभी एक शॉप वहाँ चलते हैं देखते हैं कि मिलता है कि नहीं सबसे पहले मैं आई हूँ मॉल और यहाँ पे जो है एक लगेज की दुकान है तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या पता शायद मिल जाए है तो दुकान लगेज की जो है वहाँ पे लगेज बहुत ही जो है एक्सपेंसिव मिलता है बैग्स वहाँ पे एक्सपेंसिव मिलते हैं बट देखते हैं क्या पता कि जो मैं ढूंढ रही हूँ वो रीज़नेबल प्राइस में जो है मिल जाए
लेट्स सी। अच्छा यहाँ पे जो मैं ढूंढ रही थी वो तो नहीं मिला, लेकिन एक और चीज़ मुझे यहाँ पे मिली है जो कि गुची का जैसा ब्रांड है लेकिन गुची नहीं है, गेस है। आई वाज लाइक कंफ्यूज्ड कि वाओ यार इतने सारे ऑप्शंस और इवन कलर्स भी, जैसे वहाँ पे थोड़ा सा ब्लू ग्रे सा कलर है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे भी देखो इतना अच्छा, यानी कि ये भी अच्छा ठीक लग रहा है लेकिन ये वाला बेटर लग रहा था। मीन के अच्छे लग रहे थे, लाइक नहीं गुची लग रहा है लेकिन है नहीं, इसका ब्रांड का नाम है गैस। एनीवेज तो यहाँ पे जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिला तो सही, बट पीस मिल रहा है यानी कि एक पीस मुझे सेट चाहिए। एक एक पीस लोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, मुझे तीन चार पीस चाहिए। तो अगर वो सेट मिल जाए, अगर तीन का भी सेट मिल जाएगा तो अच्छा है, तो देखते हैं। बट सबसे पहले जो है ना मुझे भूख लग रही है, तो हम लोग जो है ना बबल मिल्क शेक ले लेते हैं, बिकॉज या नाश्ता भी नहीं किया हुआ मैंने। तो एज ऑलवेज मैंगो मैं लेती हूँ, तो मैंगो ही जो है हम लेंगे। किस तरह के बबल्स लें? ग्रीन एप्पल मज़े का होता है, थोड़ा सावर होता है, और ऑब्वियसली मैंगो बबल, दैट्स इट। Snowing non-stop. बजने वाले हैं शाम के 8 और मैं जो लेके आई हूँ बस वो यही जो है मैं लेके आई सैमसोनाइट का, या सैमसोनाइट का जो है मैं ये लेके आई हूँ क्या कहते हैं इसको बैग वेट। और बस मुझे कुछ यानी कि मैं जो ढूंढ रही थी, एक तो ये ढूंढ रही थी जो कि मुझे मिल गया, दूसरा जो मैं ढूंढ रही थी लगेज ऑर्गेनाइजर वो नहीं मिला, और जैसे मैंने आपको बताया भी कि वो पीस पीस मिल रहे थे, सेट मिल नहीं रहा था, और जो दूसरी जगह मैं गई वहाँ पे भी जो है मुझे मिले ही नहीं, तो मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो मैं जो है ट्रिप से जब वापस आ जाऊँगी सेकेंड ट्रिप के लिए ऑनलाइन ज़रूर फिर मैं ऑर्डर कर लूँगी। बट हाँ एनीवेज बस यही है। और घर में आई थी अराउंड दोपहर को, मैं घर आ गई थी, घर आके जो है मैं सो गई थोड़ा सा, और फिर उसके बाद खाना एंड और जो रूटीन होती ही है, और बस यही था आज का दिन और कल का दिन, और आने वाले जो दिन है बहुत ही मज़े के आने वाले हैं, व्लॉग्स अच्छे आने वाले हैं, ट्रैवल व्लॉग, यू कैन गेस वेयर आई एम गोइंग। एनीवेज इसी के साथ ये वीडियो मैं ये भी खत्म करते हैं, आप लोगों को मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू, तो दुनिया को शायद प्यार बैठिए। अल्लाह हाफिज़।